हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर डीएलएड फर्स्ट ईयर 2019 का है और पेपर कोड है हमारा 104। पिछले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की पेपर कैसे आता है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हमने चर्चा की थी। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लैंग्वेज एजुकेशन हिंदी के क्वेश्चन पेपर को। ये पेपर हमारा 75 मार्क्स का आता है और 3 आवर्स करने के लिए दिए जाते हैं पेपर को। तो आइए देखते हैं पेपर पैटर्न कैसा है इसका। इसमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस पेपर के 2 भाग हैं। पार्ट 1 में 10 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में आपके 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। और जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो आपको 600 वर्ड में लिखने होंगे और जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपको 300 वर्ड में लिखने होंगे। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर का भी पैटर्न लगभग सीडी की तरह ही है। तो आइए देखते हैं। पार्ट 1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण से संबंधित है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपका जो पेपर आएगा उसका थोड़ा सा मतलब ऑप्शनल हो सकता है चेंज कर दे, लेकिन पेपर पैटर्न सेम होता है। पार्ट 1 में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, पार्ट 2 में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति कौशल से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। इसके साथ ऑप्शनल में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको जो अच्छे से आता हो क्वेश्चन पेपर में आप वो करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको ऑप्शनल दिया गया है, तो आप दोनों ऑप्शन में से जो आपको अच्छे से आता होगा वो आप करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये सीडीपी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये अन्य सब्जेक्ट्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके आंसर को। तो ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है इसमें ऑप्शनल दिया गया है, तो आप जो आपको अच्छे से आता होगा वो आप अपने पेपर में करेंगे। ये आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये जो 6 क्वेश्चन है ये कभी नहीं बदलता, हमेशा आपको 5 पॉइंट्स दे देगा और 1-1 मार्क्स का होगा। ये ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें, तो ये कभी नहीं बदलता। इसके साथ आपका 7th क्वेश्चन ऑप्शनल है 5 मार्क्स का और 10th क्वेश्चन भी आपका ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।